स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इसमें नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार है, बुल कंपनी से। आज मैं आपको बता रहा हूँ, बुल कंपनी का टेलीस्कोपिक लोडर आता है जो कि भूसा हैंडल करने के काम आता है। कई प्रकार की चीज़ें आप इससे हैंडल कर सकते हैं, भूसा हुआ, कॉटन हुआ, कॉटन कॉयर, कॉटन वगैरह यूज कर सकते हैं, और सरसों की तूड़ी और सोयाबीन का चारा, किसी भी प्रकार का चारा उठाकर आप ट्रॉली में भर सकते हैं। जो ये बकेट आप देख रहे हैं, बकेट 1.7 क्यूबिक मीटर का है, जिसमें तकरीबन आप 500 किलो और 600 किलो तक मटेरियल आराम से उठा सकते हैं। अगर आपका सूखा मटेरियल है तो कम आएगा, अगर थोड़ा गीला मटेरियल है, पुराना मटेरियल है, तो वो तकरीबन 600 किलो तक भी आ सकता है। आइए इससे आगे, जैसे बकेट को हमने स्ट्रेंथन दिया है जिससे कि इसकी लाइफ ज़्यादा है, और नीचे प्लेट लगाया है। प्लेट से इस प्लेट होने से क्या है कि आपका नीचे से पूरा मिट्टी नहीं आती है, जिससे भूसा पूरा प्योर भूसा आपका बकेट के अंदर आता है, मेटल की क्वालिटी ख़राब नहीं होती है। आप ये देख रहे हैं, मेटल की क्वालिटी देख रहे हैं, हम लोग हाई टेंसाइल स्टील हम लोग यूज करते हैं जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, हाई टेंसाइल। और पिन बूस वगैरह जो है ये हार्डन होते हैं, जो जल्दी से टूटते नहीं हैं। हमने हर जगह ग्रीसिंग पॉइंट दिए हैं, आप टाइम से ग्रीसिंग करते रहिए, टाइम से ग्रीसिंग करेंगे तो आपकी पिनें ज़्यादा समय तक चलेंगी। एक और दोस्तों मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये टेलीस्कोपिक लोडर है जो कि आगे पीछे होता है ना, जितनी ज़रूरत पड़े आप इसको खोल सकते हो। अभी मैं आपको इसको खोल कर भी दिखाऊँगा। इसके अंदर चलता है, और हमने इसके यहाँ पर रोलर दिया है जिससे कि स्मूथ वर्किंग हो, और ऐसे ही इस आर्म को मैनेज करने के लिए हमने इसमें यहाँ पर रोलर दिया है, साइड में रोलर दिया है, इस साइड में रोलर दिया है, और उस रोलर को सेट करने के लिए यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। इससे क्या होता है, आपका ये आर्म बिल्कुल सेंटर में चलता है, बिल्कुल सेंटर में चलता है, बाहर वाली आर्म को डिस्टर्ब नहीं करता है। किसी भी कारण से अगर रोलर घिस जाता है तो आप रोलर चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही जैसा आप ये देख रहे हैं, कंपनी छोटी छोटी चीज़ को काफ़ी ध्यान देती है। जैसे ही आपके होज पाइप है, होज पाइप को स्टील की वायर से कवर किया गया है, इनकेस ये नीचे ज़मीन में टच होता है तो आपका होज पाइप सेफ रहता है। सेंटर सपोर्ट, मजबूत सेंटर सपोर्ट दी गई है, सेम इसके भी उसी से मैंने आपको बता दिया है। आइए आपको और चीज़ें बताता हूँ बारीकी वाली। जैसे कि ये चेसिस है, ट्रैक्टर में क्लच वगैरह का काम होता है, तो ये ECR पॉइंट दिया है, इजी क्लच रिमूविंग सिस्टम बोलते हैं इसको, इजी क्लच रिमूविंग सिस्टम बोलते हैं। 2 बोल्ट आप यहाँ से खोलकर आराम से ट्रैक्टर के आगे कर सकते हैं और क्लच का काम कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, इस मशीन को लगने के बाद में आपके क्लच का काम एक दिन के अंदर हो सकता है, और यदि किसी और लोकल मैन्युफैक्चरर का आपका बना हुआ है तो उसमें 2 से 3 दिन क्लच के काम में लगते हैं, जिससे कि आपका काम का नुकसान होता है, समय का नुकसान होता है, और पैसे का नुकसान होता है। वन मोर थिंग, आप ये देख रहे हैं, थोड़ा गैप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग पिन मैकेनिज्म दिया है। फ्लोटिंग पिन मैकेनिज्म से जब भी आपका लोडर चलता है तो आपका पूरा का पूरा झटके जो भी जर्क है वो यहाँ पर आता है। ये फ्लोटिंग पिन मैकेनिज्म की वजह से आपका ट्रैक्टर का जो बॉडी है पूरा झटकों से बच जाता है, जिससे ट्रैक्टर के अंदर किसी भी प्रकार की टूट फूट नहीं होती है।
हैवी ड्यूटी हमने स्टैंड दिया है, हैवी ड्यूटी कंट्रोल वाल्व दिया है। अभी मैं आपको इसके ओनर से मिलवाऊंगा। और पीछे हमने कंप्रेसर दिया है, हाइड्रोलिक टैंक दिया है जिसकी 100 लीटर की क्षमता है। 100 लीटर होने से आपका ऑयल गर्म नहीं होता है, आपके सील वगैरह को और आपके पाइप्स को प्रॉब्लम नहीं होती है। पीछे काउंटर वेट दिया है, इसे बैलेंस के लिए है। ये प्योर R&D करके बनाया गया है, जिससे कि आपके ट्रैक्टर में कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो और आप समय अपना काम बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हर प्रकार का क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा गया है। और आइए मैं आपको मिलवाता हूँ, आयो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुमन उपाध्याय। अंशुमन उपाध्याय जी हैं। ये कौन सा गांव है? ये भीमपुरा गांव है। भिंड जिले का भीमपुरा गांव है। और यहाँ पर ये लोडर चला रहे हैं और इन्होंने, आप संतुष्ट हैं सर इससे? जी बिल्कुल। कैसा काम करता है? बढ़िया, मस्त। बढ़िया मस्त काम करता है। हाँ जी। ओके, तो थोड़ा इसको ऊपर करके दिखाएंगे आप? जी बिल्कुल। इसका आर्म ऊपर करके आर्म खोल के दिखाना है। बोल सकते हैं एक जगह रहकर ये आप 24 फीट हाइट तक आपके मटेरियल का ढेर बना सकता है। और नीचे लियो, ऐसे कैसे नीचे लियो, आराम से, अरे अरे आराम से, आराम से चले अंदर करूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी लंबाई आगे से काफ़ी ज़्यादा है और आपका ट्रैक्टर का रेडिएटर आपके मैटेरियल हैंडलिंग से और ट्रैक्टर की दूरी, रेडिएटर की दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है। जब आप इसको पूरा खोल कर रखते हैं तो और काम करते हैं, भूसा आपका वहाँ आगे रहता है जिस जो कि आपके रेडिएटर से काफ़ी दूर रहता है, जिससे कि आपके ट्रैक्टर की भी लाइफ ज़्यादा रहती है। और बाकी तो जानकारी मैं दे चुका हूँ। और हाइड्रोलिक पंप मैं दिया हुआ है इसमें, आइए इधर आइए। ये हमने हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक पंप लगाया है इसमें, जिससे कि इसका ऊपर जाने की स्पीड और नीचे आने की स्पीड काफ़ी फास्ट है, काफ़ी फास्ट है। ये तकरीबन इससे आप एक घंटे में तकरीबन कितना, एक घंटे में कितना आप इससे आउटपुट ले लेते हैं? इसे क्या पता? नहीं पता, अभी अंदाज़ा नहीं लिया। 300 क्विंटल अपन को भर देते हैं भूसा। 300 क्विंटल गाड़ी में भूसा भर देते हैं। 350 क्विंटल आ जाता तकरीबन
350 क्विंटल आप इससे एक घंटे के अंदर हैंडल कर सकते हैं बड़े आराम से।